तैयार है मोदी साहब, ग्रेट मैन क्या कर रही हैं? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। ये आत्मनिर्भर भारत का, इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपए का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान, तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फर्क पड़ता है? इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को, तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे। अब आप बिलीव कीजिए, इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं, इस चीज़ को मानना चाहिए। हम लोग बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। लोग सिर्फ एक अपनी अना पे झूठी तसल्ली, जो मीडिया ने दिखाया सारी जिंदगी, बचपन से जो हमें पढ़ाया गया कि इंडिया दुश्मन है हमारा, यकीन करें बचपन से ये पढ़ाया होता ना हमें इंडिया हमारा दोस्त है, तो आज हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ होना था। अभी अभी रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर प्याज आलू ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना अपनी जो झूठी अना है, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी ख़त्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो वो बहुत बड़ा है आपसे, आप छोटे बन जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। कि 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता, आज आपको टमाटर 20 रुपये किलो मिलते, चिकन 150 रुपये किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें, मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला, तो इससे अच्छा तो वो मोदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ सनसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए चाहिए ना, बेनजीर चाहिए ना, हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले, दुनिया के 5वें नंबर पर आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है, तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। अभी हमें तलाश है तैयब उर्दगान की या मोदी की, डिफ़ॉल्ट तो हमने होना ही होना है, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, गलत रास्तों पे चला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो एक शख्स आया था आपके मुल्क को ठीक करने के लिए, ये बाजवा साहब ने उसका खाना खराब कर दिया। यानी कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार हैं, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान, तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को, तो समटाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा। पाक हिंद एक होता, आज आपको टमाटर 20 रुपये किलो मिलते, चिकन 150 रुपये किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलता आपको। क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ये किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं हम लोग? यानी कि ये चाह रहे हैं कि आम सिविलियन जो है वो चोर बन जाए, डकैत बन जाए, पिस्तौल पकड़ ले, छुरा पकड़ ले, चाकू पकड़ ले। आप समझिए मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपके बच्चे हैं, जब रात को आप अपने बच्चों की रोटी पूरी नहीं ना कर सकेंगे, आप कहेंगे हम कौन से मुल्क में पैदा हो गए हैं? कि जो हम, देखिए इंसान की ज़रूरियात होती है गाड़ी बंगला अच्छे कपड़े अच्छा खाना, मतलब इसमें तो हमारा आटा चीनी नहीं पूरा हो रहा, गाड़ी बंगला तो बहुत दूर की बात। अभी आप ये देखें डिफेंस साइड पे, गुलबर्ग साइड पर बहुत जो है अमीर कबीर तबका भी रहता है जिन्हें इस महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, पिस रही सिर्फ निचली आवाम है। जी आपका और मेरे जैसे इंसान को फर्क पड़ता है, जो आप जैसा मेरे जैसा दिन में 1000-2000 रुपये हम लोग कमाते हैं और रात को पता चलता है घर का खर्चा 4000, जो एक्सपेंस है पेट्रोल, जिस मुल्क में 270-275 रुपये का पेट्रोल हो, चिकन जहाँ 500 रुपये किलो हो, आप बात को समझिए। अभी 8 महीने पहले आप देखेंगे कोई भी रेट कहीं भी नहीं थे और हम कह रहे थे कि बहुत ऊपर चले गए हैं, बहुत ऊपर, 8 महीने पहले इमरान खान साहब का दौर था,
आप यकीन कीजिए मैंने इमरान खान साहब को वोट नहीं डाला, मतलब ये नहीं कि मैं किसी पार्टी का हूँ, लेकिन देखिए जो नज़र आ रहा है हमने तो वो बात करनी है। वही चोर, अब एग्जांपल देता हूँ आपको, पाकिस्तान में अभी कंपेन चल रही है जी डॉलर चाहिए, डॉलर नहीं है हमारे मुल्क में, वो तुम्हारे तो महल हैं यार लंदन में, उनके बदले डॉलर आएंगे, तो आप मुब्बे वतन तो बनो। कितने असासे हैं इनके पास, वो बेचते क्यों नहीं है? अगर आपने बात की कि आप हुब्बुल वतन बने, तो अगर आपको वतन से इतनी मोहब्बत है तो कौन सा सियासतदान है एक मुझे बता दें जिसके पास असासे ना हो अरबों खरबों के, वो बेचे और किस्तें उतारे, इस मुल्क का कर्जा उतारे, इस मुल्क को बेहतर हालात की तरफ लाए, लेकिन नहीं, हमने नहीं बेचना भाई। वो क्यों? क्योंकि वो हमारे टैक्स के पैसे हैं, वो पैसे हम लोगों के, देखिए टैक्स आप एक बबल लेते हैं तो आपको उस पर भी टैक्स देना, ईच एंड एवरी थिंग हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ता है। जब हम लोगों ने टैक्स पे किया, उन्होंने वो पैसा चोरी किया, मनी लॉन्ड्रिंग की, बाहर महल बनाए इन्होंने, अपने बंगले बनाए बाहर, अब वो बंगले पाकिस्तान को ज़रूरत है यार, वो लेके आओ ना। वैसे तुम कहते हो कि हम फलां मुल्क पे गए मांगने के लिए, फलां मुल्क पे गए मांगने, फिर डायलॉग क्या है भाई, हम तो आप तो हमारे बड़े भाई हैं, हमें शर्म आ रही है लेकिन हमारी मजबूरी है मांगना। भाई जब तुम लोगों से तरले मिन्नत कर रहे हो, मांग रहे हो, अपने तुम बेचो, मुल्क के लिए कुर्बानी दो, जो दुनिया तुम्हें कायद अजम की तरह याद करे, और तुम तो मंगते बने हुए, अपने महल तुमने बाहर रखे हुए, सो सो इनके पास बाहर मुलाजिम हैं, सो सो मुलाजिम इनके पास हो, ये कौन बादशाह लोग पैदा हुए हैं? हमें चाहिए सिंपल आदमी, इमरान खान विदाउट जनरल बाजवा, एक इमरान खान सॉलिड तरीके से आए, पूरी यूथ के साथ आए, पूरा पता चले इमरान खान आए, यकीन करें मोदी और तैयब उर्दगान को काट देगा वो। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर। पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है, वो इधर हैं हम लोग इधर हैं, इस चीज़ को मानना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक अपनी अना पे झूठी तसल्ली जो मीडिया ने दिखाया सारी ज़िंदगी, बचपन से जो हमें पढ़ाया गया कि इंडिया दुश्मन है हमारा, यकीन करें बचपन से ये पढ़ाया होता ना हमें इंडिया हमारा दोस्त है तो आज हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ होना था। अभी अभी रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर प्याज आलू ईच एंड एवरी थिंग हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना अपनी जो झूठी अना है, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी ख़त्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें, वो बड़ा भाई है मान लो, वो बहुत बड़ा है आपसे, आप छोटे बन जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हर लिहाज से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हो।